भारत में इस बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें कई हैरान करने वाली बातें देखने को मिली हैं। कई दमदार खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस बार एक ऐसा प्लेयर भी खेल रहा है जो 39 साल का है और दो देशों के लिए क्रिकेट खेल चुका है। यहाँ बात हो रही है नीदरलैंड्स के सीनियर प्लेयर रुलॉफ वेंडेर मर्व की, जो इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स की तरफ से खेल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नीदरलैंड्स ने जो मैच खेला उसमें भी वेंडेर मर्व टीम में शामिल थे। कमाल की बात यह है कि 38 साल के वेंडेर मर्व का ये पहला वर्ल्ड कप है। पिछले वर्ल्ड कप के दौरान तो वो नीदरलैंड्स की टीम का हिस्सा भी नहीं थे। उनकी ये कहानी बड़ी ही कमाल की है, जिसे जानने के लिए हर फैन बेताब है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 9 टीवी की वर्ल्ड कप कवरेज। रुलॉफ ने साल 2004 में अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम तक जाने के लिए उन्हें एक लंबा सफर लगा। 2009 में वो नेशनल टीम में आए। बाएं हाथ से बॉलिंग और सीधे हाथ से बल्लेबाजी और आखिर में आकर लंबे शॉट्स लगा देना, T20 के हिसाब से तो रुलॉफ एकदम परफेक्ट प्लेयर बनकर सामने आए थे। इसी का कमाल दिखा कि उन्हें दुनिया की अलग अलग T20 लीग में खेलने का मौका भी मिला। बस दुख इस बात का रहा कि वो साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम के लिए कमाल नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने 2015 में अपना पाला ही बदल दिया और नीदरलैंड्स के लिए खेलने लगे। आपको ये भी बता दें कि रुलॉफ 3 T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन पहली बार 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इस पल को लेकर रुलॉफ भावुक भी होते हैं और इसे अपने करियर का गर्व भरा पल मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रुलॉफ IPL में भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए कुछ मैच में नजर भी आ चुके हैं। हालांकि उस दौरान उनका गेम कोई ज़्यादा शानदार नहीं रहा था। अब 38 साल की उम्र में रुलॉफ वेंडेर मर्व अपना पहला और शायद आखिरी वनडे वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। इस शानदार पल के लिए उनको बधाई। मैं थी रिया, आपके लिए इस तरह स्पोर्ट्स की हर अपडेट लाती रहूंगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए स्पोर्ट्स 9 पर।